आप सही लोगों का स्वागत करता हूँ स्टडी सर्कल में। मैं इंजीनियर सुखनाथ सोलंकी, आई डिस्कस करेंगे काफी ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है रेलवे के लिए काफी ज्यादा सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर्स के ही क्वेश्चन है। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन पसंद आएंगे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, हमसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि द सेल 2020 व्हाट परसेंटेज द सेल ऑफ 2021। देखो 2021 में 2020 में कितनी थी, थोड़ा डाटा नहीं दिख रहा होगा, तो ये 450 थी, 450 थी 2021 के रिस्पेक्ट में। 2021 के रिस्पेक्ट थी 830 है या 880 है, समझ में नहीं आ रहा 830 है या क्या है, देखते हैं जरा गाइस। 880 लग रहा है, 880 है। ठीक है 880 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 880 है लगभग चलेगा। ठीक है, तो क्या किया, एक जीरो से एक जीरो से कट ही रहा है। ठीक है, और ये क्या किया 50, और ये क्या हो गया हमारा 44। ठीक है, देखो अगर आप है ना इसको अगर 44 भी मान लोगे इसको लगभग, तो ये 44 से 44 लगभग कट जाएगा, तो यानी 50 से थोड़ा सा ज़्यादा, 50% से थोड़ा सा ज़्यादा क्या है, एक ही ऑप्शन है, थोड़ा सा ज़्यादा और कोई ऑप्शन है भी नहीं, तो इसलिए आप इजी इसको लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्स की वैल्यू यदि है तो अपन को ये वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, एक्स की वैल्यू 5 है। ठीक है, क्यूब हो जाएगा 125, स्क्वायर हो जाएगा 25, यानी कि यह बचेगा आपका 100, 100 वैल्यू बचेगी 100, यानी कि 16 इंटू 5 इंटू 10, 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, 80 यानी कि 800। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। द इनकम ऑफ हरी 42,000 पर मंथ, ही स्पेंड 15% ऑन रेंट, 8% ऑन फूड, 45% ऑन अदर थिंग, ही सेव द रिमेनिंग अमाउंट, व्हाट इज द सेविंग पर मंथ। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो क्या कर रहा है वो, 15% खर्च कर रहा है, 8% खर्च कर रहा है, 45% खर्च कर रहा है, तो ये क्या हो गया 18 की 8 हासिल लगी 6 68, 68% उसने खर्च कर दिया, बचाया कितना होगा 100 में से इसको माइनस कर देंगे तो ये क्या होएगा 2, और ये क्या बचेगा 7 गई तो 32। ठीक है, 32%, 42 का 32% लगभग क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ठीक है 3 दूनी 6 4 3 12, ठीक है 4 8 6 14 की 4 हासिल लगी 1 3, और ये ठीक है, ये क्या हो गया 1 0, हमने क्या हुआ 320 था तो हमने क्या किया यहाँ से 1 0 हमने हटा दिया, 42,000 था ना, 42,000 था, देखो 1 2 3 दो जीरो हमारी कट जाएंगी तो हमारे पास क्या बचा ये 13,440, यही तो आंसर है, सिंपल सा ही है, उसमें कुछ करना भी नहीं है। ठीक है, द मार्क प्राइस ऑफ ए कार इज 5 लाख अंडर द स्कीम सक्सेसिव डिस्काउंट 10% और 8% ऑफर ऑन, फाइंड द टोटल डिस्काउंट ऑफर टू द बाइल सेलिंग प्राइस। देखो क्या हुआ, डिस्काउंट निकालना है तो देखो आपको कितने का मिलेगा 10 8 18, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 10 इंटू 8, ठीक है ये क्या हो जाएगा हमारा ये है, तो ये क्या हो जाएगा 0.8 तो यहाँ से आ गया, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 18 और प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास 0.8, ठीक है ये हो गया हमारा। अब क्या करना है, बस इसमें से इसी का निकाल देंगे, ये डिस्काउंट हो गया, यानी कि टोटल डिस्काउंट क्या हो जाएगा 18 में से पॉइंट प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो लगभग हम इसको करेंगे, अगर 18 भी निकाल लोगे ना तब भी कुछ काम हो जाएगा, 18 5 90, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। क्या करें इसको अब कर लेते हैं, ये करना ही पड़ेगा, ठीक है 0.8, ठीक है 0.8, तो क्या करेंगे इसमें से माइनस कर लेंगे, ठीक है तो ये क्या बचेगा 10 में से 8 गई तो 2 और 1 गई तो 7.28 हम दोनों डिस्काउंट दे रहे हैं 5,000 पे, लगभग 172 × 5 कर लेते हैं, 5 दूनी 10 का 100 हासिल लगी 1 7 5 35 36 की 6 हासिल लगी 3 5 3 15 3 18, आप कर रहे 860 तो आप कर ही लोगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं 0 0 को हटा देता हूँ क्योंकि ऑप्शन हमारे ये सेम ही सेम है, लेको ठीक है 86 आ रहा है ना, तो यही ऑप्शन है हमारा, सिंपल सा है वो, तो एक मतलब इफेक्टिव डिस्काउंट निकालने का, ए प्लस बी प्लस या माइनस ए बी अपॉन 100 डिस्काउंट या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग जो भी है डिस्काउंट के लिए फॉर्मूला में यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्या बोलता है द एजेस ऑफ 2% डिफर बाय द 14 ईयर। ठीक है, मतलब ए मान लिया कि अगर ए एक्स है और बी क्या हो जाएगा एक्स माइनस 14 है। ठीक है, इफ 4 ईयर एगो द एल्डर वन वॉज द 3 टाइम्स ओल्ड एज द यंगर वन द प्रेजेंट एज, वो कह रहा है कि 4 साल बाद, 4 ईयर एगो मतलब 4 साल पहले जो एल्डर वन था यानी कि जो बड़ा था, देखो अब 4 ईयर एगो की बात करेंगे हम, 4 ईयर एगो
ठीक है, एक काम करते हैं, ये हो गया ठीक है, 4 ईयर एगो ठीक है। इसमें भी अगर 4 साल पहले, 4 साल पहले की बात करेंगे तो ये मतलब ये क्या करेंगे, x माइनस 4 यहाँ से भी कर लेंगे और ये क्या करेंगे x माइनस 4 यहाँ से भी कर लेंगे, 4 4 सम में से कटेगी। तो वो बोल रहा है कि जो बड़ा वाला था, माने कि ये x ये बड़ा था, तो वो क्या था, द एल्डर वन वॉज द 3 टाइम्स, एल्डर वन वॉज द 3 टाइम्स ओल्ड एज द यंगर वन। तो एल्डर वन जा तो जो क्या था वो 3 गुना था, 3 गुना था इससे, एक से ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3x माइनस का 4 बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस का 18 ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 3x माइनस का 4 वो सॉरी इसमें से इधर में x करेंगे और ये क्या हो जाएगा x 18 ठीक है, हो रहा है इसके इक्वल ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है। ठीक है ये क्या हो जाएगा, अगर एक एक्स के लेके आएंगे तो माइनस का 18 और प्लस का 44 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का 14, यहाँ क्या बचेगा 2x। अगर हम करेंगे इससे करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस का 7 आ रही है, और प्रेजेंट में अगर ये माना कि 7 होगा कोई भी चीज़, और क्या करेंगे हम, क्या करेंगे अगर सो जुड़ेंगे तो 7 4 11 हो जाएगा प्रेजेंट में, तो ठीक है ऑप्शन से था पर लेकिन हमारा नेगेटिव क्या आ रहा है, एज तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, यानी कि हमने क्या किया, थोड़ी सी गलती कर दी है कहीं ना कहीं। ये क्या होगा, देखो क्या होगा, x माइनस 4 ये एल्डर है तो ये क्या हो जाएगा, इसके 3 गुना होगा, x माइनस इसको 18 लिख सकता हूँ ना, x माइनस 18 ऐसे करते हैं ठीक है। तो x माइनस 4 बराबर ये क्या हो जाएगा, 3x माइनस 18 थी 54 ठीक है, और ये क्या हो जाएगा मेरा x माइनस का 3x और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस के 4 और ये क्या हो जाएगा प्लस का ये ठीक है, 18 3 54 14 4 18 ठीक, गलत क्यों हो रहा है, ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा 2x और ये क्या बचेगा 50 ठीक है, क्योंकि माइनस से माइनस तो अब कट जाएगा ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई 25, x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 25 आ गई ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, बजा रहा है कि यंगर वन छोटे वाले की एज क्या है, तो छोटे वाले की एज तो यहाँ से आएगी 20 से, अगर ये x हमारे पास 25 आ गया तो 14 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास 11 ये आएगी यंगर वन, हाँ यंगर वन ये 11 इस तरीके से आएगी। ये थोड़ा सा क्या नेगेटिव जा गया है ना, हमने क्या कर दी, थोड़ी सी गलती कर दी कि वो 3x है, वो 3 की इसके, क्योंकि बोल रहा है कि 3 टाइम्स एस ओल्डर एस यंगर वन, यानी कि जो छोटे से जो 3 गुना था, यानी कि अगर मैं बोलूँ कि अपने मेरे पिताजी क्या होंगे, मेरे 3 गुना होंगे, तो मैं तो अकेला ही हूँ ना, और उसके 3 गुना तो ज़्यादा हो जाएंगे वो, इसलिए ये प्रोसेस जाना सही है ठीक है, इसको ये फॉलो करना ठीक है। हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो क्या हुआ, 2 1 1 3 4 इंटू 10 to the power एक्स है, और यहाँ पर क्या हुआ 0. देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 7 0 लगा के लेके आओ, बाकी तो 2 1 1 3 4 7 0 1 2 3 4 5 6 7 और इधर पे क्या आ गया 3 3 0 है ठीक है, 3 0 से 3 0 कटेंगे, हमारे पास क्या बचेंगे 4, ये तो बच ही जाएगा, तो ये क्या बची है x की पावर माइनस का 4 ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक तरीके से हो जाएगा, तो x बराबर क्या आएगा माइनस का 4 आएगा, सिंपल सा इसको ऐसे लगा दो ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रकाश एंड विनेश कैन कंप्लीट द पीस ऑफ द वर्क 12 and 14 days ठीक है। प्रकाश किसी कार्य को 12 दिन में कर रहा है, विनेश किसी कार्य को 14 दिन में कर रहा है, दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर आफ्टर 3 days विनेश लेफ्ट ठीक है। तो हम एलसीएम ले लेते हैं क्या, 56 क्यों लेंगे, 14 14 14 42 12 और 14 में से क्या हो जाएगा 2 6 12 2 7 14 7 6 42 42 2 2 4 84 लेंगे, 84 12 7 84 होते हैं, 14 6 84 होते हैं। अब वो कह रहा है कि ये दोनों दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, जिन्होंने 3 दिन काम किया है, तो ये क्या हो गया 7 6 13 13 × 3 यानी कि 39 यूनिट काम हो चुका है ठीक है। रिमेनिंग काम हमारे पास क्या बचा, 14 में से 9 गई तो 9 5 14 45 तो 45 यूनिट पास हमारे पास रिमेनिंग है। अब ये काम करना है, वेनिस तो चला गया, अब ये काम करना है इसको प्रकाश को, तो इसका प्रकाश की वेनिस है, तो 45/7 क्या होगा, ये होगा सिंपल सा, ये इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। हमको ये दे रखा है वैल्यू ऑफ थीटा निकालना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक आइडेंटिटी सबको पता होनी चाहिए, क्या देखो क्या है कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
बराबर क्या होती है, बन होती है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, कॉस की जगह पे क्या लिख दूंगा, कॉस स्क्वायर थीटा की बन माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यही किया मैंने, थ्री साइन स्क्वायर थीटा प्लस सेवन बन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, सिक्स है, ठीक है। तो थ्री साइन स्क्वायर थीटा और ये क्या रहेगा, प्लस का सेवन माइनस का सेवन साइन स्क्वायर थीटा बराबर छः, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का फोर, फोर साइन स्क्वायर थीटा, और इधर पे क्या बचेगा, वन। इसको सेवन को इस तरफ लेके आऊँगा तो मेरे पास क्या बचेगा, माइनस का वन, तो माइनस से माइनस का कट जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, वन अपॉन फोर। अगर रूट में जाऊँगा तो क्या आएगा, वन बाय, अगर इसका रूट फोर का करूँगा तो क्या हो जाएगा, वन बाय टू हो जाएगा। अब आपको मालूम है कि साइन थीटा में वन बाई टू किसकी वैल्यू होती है, साइन थर्टी की वैल्यू होती है। ये किसके बराबर है, साइन थर्टी के वैल्यू के बराबर है। कुछ वैल्यू आपको याद होनी चाहिए ये, ठीक है। तो वो थीटा वो जो होगा आपका क्या होगा, थर्टी डिग्री के बराबर होगा, जबकि बोला थीटा जो है, ठीक है। इफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इतना, ठीक है, आपका एक सिलेंडर है उसका बेस दिया गया है। तो सिलेंडर का बेस आपको पता है कि सर्कुलर के फॉर्म में होता है, ठीक है। बेस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर ये दिया, एरिया दिया इसका, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल क्या था, पाई आर स्क्वायर, वो कितना दिया, 346.50, ठीक है, ये दे रखा है। हाइट हमको दे रखी है, तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ, टोटल सरफेस एरिया निकालना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का क्या होता है, 2πr r + h, ठीक है, ये होता है हमारा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कह सकते हैं इसको। पर हमको क्या है, आर की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी, तो एक काम करते हैं, दो जीरो ये यहाँ पर है, इसको ये निकालते हैं, ठीक है। देखो पाँच और तीन आठ, वो छः और तीन नौ, पाँच छः और तीन नौ, ये ग्यारह से कट जाएगा, तो ग्यारह दूनी बाईस, ग्यारह से काट रहा हूँ मैं इसको, ग्यारह तीय तैंतीस, ग्यारह तीय तैंतीस बचेगा एक, ग्यारह कैन ग्यारह, फिर बचेगी आपकी पाँच, ग्यारह पंजे पचपन, ठीक है, कट गया। अब मेरे पे क्या बच रहा है, आर स्क्वायर बराबर 315 इंटू सात डिवाइडेड बाय टू, ठीक है, और टू के साथ मेरे पास एक जीरो भी है अभी, तो क्योंकि एक ही तो जीरो कटा है। हाँ एक काम करो, एक जीरो ऑलरेडी है ना, ये टेन है, एक काम करें, टेन को हम क्या करते हैं और काट लेते हैं, पाँच दूनी दस, पाँच छके तीस, पाँच तीय पंद्रह। अब मेरे पास क्या बचा, 63 × 7 डिवाइडेड बाई 2 × 2 यानी कि 4 हो गया, 2 × 2 है। इसका रूट लेना है अपन को, ठीक है, रूट लेंगे तभी तो आर निकलेगी। तो ये क्या आएगा, 7 × 63 = 7 हो गया, और यहाँ पर क्या बचा, देखो नीचे तो मैं 2 निकाल लूँगा, तो यहाँ पर भी क्या बचेगा, 7 और 7 और इंटू 3 है, इसको 3 × 3 लिखूंगा, ये क्या हो जाएगा मेरा 7 × 3, 7 × 3, 7 × 3 करूँगा 21 हो गया, 21 आ गया, 21/2 लिख सकता हूँ, सीधी सी बात है, 21/2 आर की वैल्यू क्या आएगी, 21/2 आ जाएगी, ठीक है, आर की वैल्यू क्या आएगी, 21/2 आ जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, बस अब ये जो कहानी हमने कर ली थी, अब तो एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया 2 × π की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्या हो गई, 21/2, और क्या निकालना है हमको, और आर की वैल्यू 21/2 और एच की वैल्यू 21 हो गया हमारे पास, ठीक है, 2 से 2 कट गया, 7 × 21 कट गया, तो 22 × 66, ठीक है, 66 ये हो गया, और 2 × 2 21, 21 × 2 = 42, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, अब आ गया मेरे पास 21 और 42 कितने होते हैं, 3 = 63, ठीक है, ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, 66 × 63 × 2, ठीक है, तो ये क्या बचेगा, 33, 33 × 66, 33 × 66, ठीक है, सॉरी 33 × 63 करूँगा, वैसे यहाँ पर हम वो भी लगा सकते हैं डीएस, देखो 9 है, सबका 9 हो रहा होगा कहीं ना कहीं, देखो 9 ये इसमें सुने 5 और 4 9, ये क्या 5 और 2 7 और 2 9, 3 हो रहा है इसका, इसका 9 हो रहा है, 4 और 3 7 1 8 हो रहा है, 5 और 4 9, आंसर यही है, देखो आप करके देख लेना, ठीक है, 36 18 की 8, वो 3 × 9, देखो लास्ट डिजिट सी समझ लो, अब तो 3 × 9 ही हो रहा है, लास्ट डिजिट सी आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे उसमें कोई रॉकेट साइंस कुछ है ही नहीं। दीक्षा ट्रेवल हर कार फ्रॉम सिटी ए टू बी एट द स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर वाइल कमिंग बैट द फ्रॉम सेम रूट बी टू ए ट्रेवल एट द स्पीड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड, देखो एक बार गई तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपको क्या करना है,
टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और देखो आपको क्या करना है, एवरेज स्पीड निकालने के लिए कुछ मत करो, टाइम वाइम की कुछ बात ही नहीं है, यहाँ पर यहाँ से गई है यहाँ पर गई है, तो 120 से गई है 130 से आई है, तो 0, 5 और 2, 250 और डिवाइडेड बाई कर दो, दो तो दो से करेंगे, दो एकम दो, दो दूनी चार बची, दो दूनी चार, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो पंजे दस होना तो चाहिए, दो पंजे दस ठीक है, 250 ही तो हो रहा है, 0, 5, 2 ठीक है, 250 अगर करेंगे, दो एकम दो, दो दूनी चार जी, दो पंजे दस, 125 हो रहा है, कुछ गड़बड़ कर दी गया कहीं ना कहीं। हाँ एवरेज स्पीड ऐसी तो निकलेगी, दीक्षा ट्रेवल करती है बी, ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो इसको ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि वो सेम रूट से गई है, सेम रूट से आई है, एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम एक काम करेंगे, सिंपल सा ही है, कोई दिक्कत वाली है, पेन चेंज कर लेते हैं। देखो क्या करेंगे, देखो क्या होता है, एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, एवरेज स्पीड क्या करेंगे, S1 into S2 और S1 plus S2 स्पीड है, ठीक है। हमने क्या किया, S1 क्या थी, 120 था हमारा और 130 से गया, दोनों का सम क्या हो जाएगा, 250 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हुआ, इससे हम काट देंगे, ठीक है, 25, 25, 5 × 2 = 10, 5 × 4 = 20, ठीक है, 24 × 13, 24 × 13 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 × 3 = 72 और 24 और 24, ठीक है, 2, 7 और 4 = 11 की कहाँ से लेगी, 312, 312 में क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो यह आएगा 5 × 6 = 30, ठीक है, बची एक, 5 × 2 = 10, अब पॉइंट लगा देंगे तो ये क्या आएगा, 5 × 4 = 20, तो ये क्या होएगा, 62.2। आप देखोगे ऑप्शन तो है नहीं पर, लेकिन भैया उसी रास्ते से गया है, यानी कि ये क्या गया है और आया है, तो 2 का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, 4 × 8, 2 × 4, 6 × 12, तो 124.8 किलोमीटर प्रति आवर उसकी क्या होगी, एवरेज स्पीड होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आइडेंटिफाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट, देखो इसका एक रूट ये है, जब भी याद रखना, देखो एक रूट है तो दूसरा रूट क्या होगा, यानी कि ये मानो कि ये अल्फा है, अल्फा ये हो गया, और बीटा क्या हो जाएगा, हम ये बोल सकते हैं बीटा क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल होगा बस, यानी कि साइन चेंज कर देंगे। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे, सम ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि क्या हो जाएगा, इसका रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 × 16, 16 − 3, 16 − 3 यानी कि 13, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, माइनस ऑलरेडी है, अगर माइनस होगा तो यहाँ पर प्लस होगा, तो 8x + 13 = 0, देखो बन के आ गया हमारे पास ये x² - 8x+, सिंपल सा, बस क्या करना है आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि इसका जो दूसरा रूट होता है इसका एक रेसिप्रोकल होता है, ठीक है, सिंप्लीफाई करना है, कुछ नहीं मल्टीप्लीकेशन करते जाओ और लगाते जाओ, ठीक है। देखो क्या करेंगे इसका, इससे देखो मैं यहीं करने लगूँ, यहीं से देखो, या यहाँ पर लिख लेते हैं, चलो 3x, देखो 3x चलो लिख लेते हैं, x − 9, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 9x² + 2x − x³, एक्स क्यूब तो सब में एक्स क्यूब है, जो भी माइनस का आ रहा है, प्लस वाले को तो पहले ही हटा दो, ठीक है। अब देख लेते हैं, 3x² - 27 27x − 9x² + 2x + 24 − x³, देखो एक्स क्यूब तो सब में ये ठीक है। अब देखो ये क्या हो रहा है, एक 24 है, 24 ही है, ठीक है, ये जिनकी कहानी खत्म हो गई। अब देखो ये क्या हो रहा है, x² माइनस का 6x आएगा पहली बार, तो माइनस का 6x², ये 24 है और ये माइनस का एक्स क्यूब है, ठीक है, ऐसे लिख लो हमने, माइनस का है, देखो प्लस वाले को हटा दो माइनस का, अब हमारे पास ये बचा। अब क्या देखते हैं, ये क्या हो रहा है हमारे पास, 27 और ये, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का क्या आएगा, 25x, माइनस का 25x आएगा, तो माइनस का 25x इसमें, देखो ये प्लस का ये गलत हो जाएगा, तो ये की ऑप्शन बचा, बाकी अरेंज तो अपन को करना ही नहीं है क्योंकि अपन को लिखनी है, अगर 24 है ऐसे इस तरीके लिखना है तो ये बस, उसमें कुछ है ही नहीं। इफ द वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, ये दिया है फाइंड द रेडियस, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर सबको पता है, स्पेयर क्या एक गोला होता है, उसका वॉल्यूम क्या होता है, 4/3πr³ होता है, इसका क्या दिया है, 4851 रेडियस निकालनी है, ठीक है, पाई की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, 22/7 लिखते हैं, तो इसकी 22/7 लिख देते हैं, ठीक है, एक काम करो यहाँ पर लिख देते हैं 22/7 और 4/3πr³, ठीक है, काटो भैया, 5 × 4 = 9, 4 × 2 = 8, ये 22 11 से कट जाएगा, 11 × 2 = 22, ये इससे कट करेगा, देखो 11 से कटेंगे तो 11 × 4 = 44 बचेगा आपके पास,
44 में से क्या बचेगा, 4 ही तो बचेगा आपका, यानी कि 4 बचेगा यहाँ पर, तो ये क्या हो गया 11 चौक 44, फिर एक बचेगा 11 एकम 11, ठीक है, ये हो गया। ये क्या होता है देखो, ये क्या होता है आपको मालूम है कि ये 21 का स्क्वायर होता है, 21 इंटू 21 लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 21 इंटू 21 लिख सकते हैं। अब देखो एक काम करते हैं, अब हम एक काम करते हैं, देखो ये भी क्या रहा है, 7 या 21 हो गया, इसको भी अगर प्रोडक्ट करेंगे तो 21, तो 21 इंटू 21 इंटू 21, तो 21 का क्यूब तो वैसे ही हो गया। और नीचे क्या हो रहा है हमारा, 4 दुनी 8, 4 दुनी 8 इससे डिवाइड होगा, 8 क्या होता है वो 2 का क्यूब होता है, यानी कि हमारे पास क्या आ गया 21 बटे 2, 21 बटे 2 को हम क्या लिख सकते हैं, आर की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर, सिंपल सा है, कुछ नहीं है, कैलकुलेशन आपको बहुत स्मार्टली करनी है बस। द नेचर ऑफ द रूट, इससे तरीके से क्वेश्चन आ रहा है, देखो जब भी डिस्क्रिमिनेंट पे जाओ तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac/0 लेके चलो। डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 चौक 16 माइनस का 4, ए की वैल्यू क्या लेंगे हम, 1/8 की लेंगे सी, ये तो ये क्या हो रहा है 16 माइनस के 8 चौक 32, आपको मालूम है कि ये क्या हो रहा है, माइनस की वैल्यू आ रही है, माइनस की वैल्यू क्या आ रही है, तो ये क्या आएंगे, नॉट रियल रूट, नेगेटिव रूट आ रहा है, क्योंकि हमारे रियल रूट है नहीं, रियल रूट है ही नहीं, ये तो नेगेटिव आ गया, तो ऐसे हम इसके रूट निकालते हैं, ठीक है, रियल रूट नहीं है। पी एंड क्यू आर द को प्राइम, को प्राइम नंबर्स हैं p^7 एंड q^9 आर। देखो को प्राइम में अब ये क्या करेंगे, देखो अब ये क्या करेंगे, कंपोजिट नंबर भी हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, देखो p^7 और p^9 है, तो ये क्या करेंगे, को प्राइम्स एंड कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, एक जैसे 9 है, तो 9 का तो कोई ना 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो वो कंपोजिट नंबर तो होगा ही होगा, ठीक है, कंपोजिट नंबर तो होगा, और को प्राइम में केवल एटलीस्ट 1 इनका इक्का होगा, एक कॉमन आ रहा होगा, इसलिए क्या को प्राइम एंड कंपोजिट नंबर ये फॉलो करेंगे। अब देखो ये क्या हुआ, इसी क्वेश्चन में लिख दिया है, ये जो क्वेश्चन में है ना, ये क्वेश्चन इधर पर लिख दिया है, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, देखो कंपोजिट नंबर क्या है, जैसे 2, 4, 8, यानी कि ये और प्राइम नंबर क्या होते हैं, हैव टू फैक्टर, 1 एंड अदर इटसेल्फ, 1 और खुद है, तो वो प्राइम नंबर होता है, तो ये कंपोजिट नंबर होती है, 2 या 2 से उनके अधिक फैक्टर होना चाहिए। अब ठीक है, अब ये क्वेश्चन तो यहाँ आ गया, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ी सी जगह बना लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, क्या बोलेंगे हम, हमको क्या बोला है कि हमसे बोला है कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है राउंडेड में, 3 साल के लिए 6% पर एनुअम कंपाउंड एनुअली है, ठीक है, और राउंड ऑफ के करीब निकालना है हमको, ठीक है, दिक्कत वाली बात नहीं है, 3 साल के लिए, तो आपको मालूम है, देखो कैसे निकालेंगे हम, निकालने का तरीका ये है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो अब क्या करेंगे, 82,000 का 6 साल के लिए, तो या तो आपके पास यही रास्ता है कि आप इफेक्टिव निकाल लें, इसका इफेक्टिव निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे इफेक्टिव निकालने के लिए 6 साल का इफेक्टिव निकाल लेता हूँ मैं, चलो इस यहाँ पर निकाल लेता हूँ, ठीक है, 6 साल का इफेक्टिव कैसे निकालेंगे हम, देखो पहले तो लेंगे हम 6 और 6 + 6 = 36 कर दूंगा, तो ये तो सिंपल आ जाएगा 12.36, 12.36 के साथ अब क्या करूंगा, 6 का फिर करूंगा, फिर 12.36 × 6, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 4 हो जाएंगे, ठीक है, तो 12, 6, 18 तो वैसे ही हो गया 18.36, ठीक है, और ये क्या करेंगे 1, 2, 3, 6 × 6 करेंगे, तो ये क्या आएगा 36 की 6 हासिल लगी 3, 36, 18, 18 से 18 और 3 21, 21 की 1 हासिल लगी 2, 6 दूनी 12, तो 14 की 4 हासिल लगी है कि 6 एकम 6 1 7, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 0.7। अब देखो ये क्या हो रहा है, पॉइंट प्लस क्या करेंगे हम इसमें 0.7416, ठीक है, यानी कि अभी 2 डिजिट भी लेंगे, अगर इसमें 2 डिजिट भी ले लेते हैं केवल 0.74 तक ले लेते हैं, 6 और 4 10, 7 और 3 10 11 की 1 आंसर लगी 1, तो ये क्या हो जाएगा 8 1 9, ठीक है, तो ये क्या हो गया 19.1, यानी कि अब अप्रॉक्स भी ले गए तो 19.1 ले लेते हैं, तो हमको इफेक्टिव क्या निकालना है, 19.1 निकालना है, 19.1 किसका निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ना, 8 8200 का, ठीक है, 82,000 का निकालना है हमको, पॉइंट तो 28 दो एक तरीके से, 191 × अगर एक पॉइंट कट भी जाएगा 82 से, ठीक है, तो हम 82 से इसके मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, बस कर लो, ठीक है, 2 एकम 2, 9 दुनिया 18 की 8 हासिल लगी 1, 2 एकम 2 1 3, अप्रॉक्स पहले से ही बोला है 8 8 9 72 की 2 हासिल लगी 7, 8 एकम 8 8 और 7 15, ठीक है, 2 8 और 16 की 6 हासिल लगी 1, 6 5 और ये,
ठीक है। तो 15,662, 15,662 समथिंग है, ठीक है। और लगभग भी ये जा रहा है ना, 15,662 और 63 में कोई अंतर नहीं है, एक डिजिट का अंतर है, और हमारा एग्जैक्ट बिल्कुल आंसर वहीं आ जाए, ठीक है, क्योंकि हमने पॉइंट के आगे लिया। तो वो बोला भी है नियरेस्ट, बोला है नियरेस्ट भी बोला है, राउंड ऑफ में राउंड ऑफ, ठीक है। तो 15,662 ऐसे लगाना है आपको, 3 डिजिट तक ले लो काफ़ी है। देखो ये फॉर्मूला भी पूछ लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या बोला है कि ए पाइप, पाइप ए कैन फिल द एक्स आवर, एक्स आवर में भरा जाता है। बी पाइप क्या होता है, बाई आवर में। सी पाइप एम्प्टी करता है, खाली करता है जेड आवर में। तीनों का एलसीएम ले लिया भैया, एक्स वाई और जेड, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसका अब इससे डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा, वाई जेड। इससे डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा हमारे पास, इसको छोड़ के, बस इस नंबर को छोड़ दो तो जो बचेगा एक्स और जेड, इसको छोड़ेंगे तो क्या बचेगा, एक्स और वाई। अब ये तीनों एक साथ काम करेंगे, तीनों एक साथ काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, तीनों एक साथ काम करना है, ये टास्क हमको कंप्लीट करना है। टोटल वर्क क्या हो गया, ये हो गया। किससे करेंगे, देखो वाई जेड प्लस एक्स जेड, ये तो नेगेटिव कार्य कर रहा है इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस का, जो इसको काम करेंगे एक्स वाई। तो ये हमारे पास जहाँ भी मिल रहा हो इस इक्वेशन में मिला हो सिंपल सा, ठीक है, माइनस का ही आएगा पहली बात, तो ये सब होगी नहीं, तो इजी यही बनना है, ठीक है, हो गया काम इसका। हमसे क्या बोल रहा है कि ए की वैल्यू ये दी है, बी की वैल्यू दी है, तो इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आप तो जैसा है वैसे रखते जाओ, ए की वैल्यू क्या रख दिया, 28 माइनस का 5√12 √3, ठीक है, √3 कर दिया आपने, ठीक है, और प्लस द प्रोडक्ट ही हो गया सिंपल सा इसका, तो इस नहीं ऐसा नहीं करेंगे हम, इसको ऐसा ही करना पड़ेगा, रुको रुको रुको, ठीक है, ये हो गया मेरा ये। अब मेरे को क्या करना है, इसका प्रोडक्ट करना है मेरे को √3 के साथ, ठीक है, और प्लस का बी, बी क्या कर रहा है, 2 प्लस √3, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो 28 तो हमारे पास, 28 का तो कुछ बिगड़ नहीं रहा मुझे ऐसा लग रहा है, नहीं 28 जो है मेरे पास क्या है, 28 एक तो प्लस 2 भी है यहाँ पर, ठीक है, प्लस 2 को निकाल लूँगा मैं यहाँ से, और ये क्या हो गया मेरा, देखो इसका ये प्रोडक्ट ही हुआ मेरे पास, ठीक है, ये तो मेरे पास है ही, 28 और 2 30, 30, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो अब क्या करेंगे, 28 माइनस, अब देखो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या करेंगे, 12 36, 36 रूट हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 2 प्लस √3, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा मेरे पास, 6 हो जाएगा, 28 माइनस का 5 × 6, ठीक है, प्लस 2, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास, √3, तो ये क्या बच रहा है मेरे पास, 28 माइनस का 30 प्लस 2, और क्या बच रहा है, और गड़ कर दी कुछ ऐसा लग रहा है, 29 रूट तो कहीं आ ही नहीं रहा मेरा, रुको रुको क्या हुआ है, देखो इसमें इसका प्रोडक्ट तो होगा, कि इसका प्रोडक्ट है तो इसका प्रोडक्ट तो होगा, एक मिनट ये काम करते हैं दोबारा से, हम क्या करेंगे इसको दोबारा से करते हैं, कोई नहीं कभी कभार हो जाता है, ठीक है, ये काम करते हैं, ये क्या हो गया, 28 माइनस का 5√12 है, इसके साथ क्या है हमारा, √3 है, और प्लस में तो बी हमारा है ही, 2 प्लस √3, ये तो है। देखो इसका क्या आएगा, 28√3 माइनस का 5√36, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, मैंने इसका डायरेक्ट कर दिया, प्लस 2√3, ठीक है, ये क्या हो जाएगा मेरे पास, 28, और ये क्या हो जाएगा, एक ये हो जाएगा 29, तो ये क्या हो जाएगा, 29√3, ठीक है, एक तो ये हो गया, ये क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनस का 30 और प्लस का 2, यानी कि यहाँ पर क्या बचेगा, 29√3 माइनस का 28, तो यही तो आंसर आ रहा है, बस इसको लिखने का तरीका बदल दिया, 28 प्लस 29√3, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, तो यही आंसर है बस। हमने क्या किया, पहले वो मल्टीप्लिकेशन नहीं किया बस थोड़ा सा। देखो अर्थमेटिक मीन निकालना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे जरूर क्वेश्चन आ रहा है, याद रखना अर्थमेटिक मीन से। देखो अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए इनका पहले इनका प्रोडक्ट करना पड़ेगा, 6 चौक 24, 10 3 30, 18 चौक 72, 24 2 48, 30 और 36, ठीक है, सबको ऐड कर लो, ठीक है, फ्रिक्वेंसी तो ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो रहा है, 8 6 14, 14 4 18, 2 20 का 0 हाँ से लगी 2, 7 और 3 10, 10 और 4 14, 14 और 16, 16 2 18, 18 19 20 21
21 से 22 23 24 240, ठीक है। और ये कहते फ्रिक्वेंसी के लिए 4 3 7 7 7 4 11 11 2 13 14 1 15, ठीक है। 15 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास अर्थमेटिक मीन आ जाएगा, बस अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। 5 2 10 5 3 15 3 8 24 8 2 16। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना अर्थमेटिक मीन से बहुत आ रहा है ये एफ एक्स का। ये क्या होता है, प्रोडक्ट करते हैं एफ एक्स का, फिर जो फ्रिक्वेंसी होती है उससे हम डिवाइड करते हैं तो अर्थमेटिक मीन आ जाता है। फाइंड द स्मॉलर ऑफ द टू ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन है तो स्मॉलर रूट फाइंड करना है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 है, ठीक है, ये हो गया। आपको मालूम है 15 को क्या करूँगा, कैसे प्रोडक्ट करूँ, और ये है तो आपको मालूम है 3 और 5 से हो सकता है, 5 और 3 8 होता है, तो ये क्या लिख दिया x प्लस क्या लिख लूँ मैं, लिख लेता हूँ 3x प्लस 5x प्लस 15, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो गया x कॉमन लिया, x प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ पर क्या लेंगे हम 5 कॉमन लेंगे, 5 प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 3 और x प्लस 5, तो बोला स्मॉलर लिखना है तो x माइनस 3 और x माइनस 5, ठीक है। तो स्मॉलर इसमें से कौन होगा एक बताइए आप, x माइनस 3 और x माइनस 5 क्या हो जाएगा इसमें से, स्मॉलर होगा इसमें से, x माइनस 5 क्या हो जाएगा स्मॉलर होगा। पहले ये नंबर लाइन पे आप देखे जाओ ना, जैसे आप ये चल रहे हो माइनस में अगर चल रहे हो तो देखो ये क्या होगा 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5, तो माइनस 5 क्या होगा ज़्यादा स्मॉलर होगा, तो क्या है स्मॉलर ऑफ द रूट, इसलिए क्या होगा x टू द पावर माइनस एक्स माइनस 5 होगा, ठीक है। क्या बोल रहा है हमसे, एक टेबल और एक स्विंग इतने में सोल्ड की, और टेबल वाज सोल्ड द प्रॉफिट ऑफ 8%, ठीक है, और स्विंग मशीन जो थी 8% लॉस, व्हाट इज द परसेंट। जब भी एक्स का क्वेश्चन आया तो देखो हमेशा इस किस में लॉस होता है, वो भी एक्स स्क्वायर अपॉन 100 कर दिया करो, एक्स की पावर क्या है यानी कि 8 यानी 64/100 यानी कि हो गया 0.640 का इसको परसेंट का क्या हो रहा होगा, लॉस हो रहा होगा ये, ठीक है, जब सेम आर्टिकल्स को बेचा जाता है प्रॉफिट लॉस पे, जो सेम प्रॉफिट हो रहा है इसलिए। द एजेस ऑफ क्यूबॉइड इन द रेशो, वॉल्यूम ये दिया है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हमको निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालना है, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है आपका, देखो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है हमारा, देखो पहले तो हमको ये क्या हुआ, ये वो दिया है, तो ये क्या हुआ लेंथ ब्रेथ हाइट हो गया, इसका वॉल्यूम दिया है हमको, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर इनका तीनों का प्रोडक्ट करें तो 3 × 6 एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स एक्स मान लिया हमने एक्स एक्स एक्स, तो ये क्या 3 × 6 एक्स क्यूब हो गया। अब ये क्या करें 1 2 9 6 से हम इसको कर देते हैं, ये 6 × 12 6 × 6 = 36, तो एक्स की एक्स का क्यूब क्या आ गया 216, 216 ये किसका क्यूब रूट होता है 6 का, यानी कि एक्स की वैल्यू आ गई 6, यानी कि ये क्या होगी लेंथ क्या हो जाएगी 6x और 12 और 36 18, तो ये क्या हो गया लेंथ ब्रेथ और हाइट, ठीक है, लेंथ ब्रेथ और हाइट हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब हमसे क्या हुआ सरफेस एरिया, सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे हम, सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे 2 × LB BH + HL, ये हो गया, ठीक है। पहले क्या करा हमने, देखो तो ये क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर दूँ, 12 × 6 = 72 और 12 × 6 = 72 हो गया, बेस इंटू हाइट करेंगे तो 12 और 18 कितने हो जाएंगे हमारे 12 × 8 = 96, 12 × 1 = 12, 6 × 9 = 11 = 216, ठीक है, 36 × 18 सही है, ठीक है, 216, ठीक है, और हाइट इंटू ये 18 × 6 = 48 आंसर लगी 1 4 6 × 6 = 108, 18 × 6 = 108 + 108, ठीक है, करेंगे 216, 108 और 72, 8 × 2 = 10 और 6 × 16 = 6 आंसर लगी 1 7 1 8 1 9 396, 396 इंटू 2, 6 × 12 = 2 आंसर लगी 1 9 × 18 1 19 = 9 आंसर लगी 3 × 6 = 7, तो 792 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा सिंपल सा, ठीक है। एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 × 3, 3 के मल्टीपल निकालें 7, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18 कितने हो गए 3 × 7 = 21, एवरेज मल्टीप्लिकेशन निकाल, तो 3 इधर 3 इधर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा एवरेज, क्योंकि बीच का क्या हो जाएगा क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस बिल्कुल सेम सेम है, इसलिए इनका जो एवरेज होगा वो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा,
ओरली हो सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ये क्या करना है हमको, तो कोई दिक्कत नहीं, इसका इससे प्रोडक्ट कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 6.4 इंटू 0.4, ठीक है। तो 0.0 और 0, ठीक है, ये हो गया 64 इंटू 4, 4 चौक 16 की 6 आंसर लगी, 6 चौक 24 एक 25 होना तो यही चाहिए, ठीक है। होना तो यही चाहिए, इसका प्रोडक्ट इससे, इनका प्रोडक्ट इससे, ठीक है। काट तो सकते हैं, काटने में ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारा एक्स स्क्वायर है ना, हाँ एक्स स्क्वायर है, तो अभी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ये तो एक्स स्क्वायर के बराबर आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर यानी कि इसका अंडर रूट लेंगे, तो ये क्या होता है 256 का कहता है 16 का, इसका क्या होगा 10, तो ये क्या आएगा 1.6, ये क्या आएगी एक्स की वैल्यू आएगी, ये अभी जो थी हमारी एक्स की वैल्यू थी, ठीक है, इसलिए आसान है। यही क्वेश्चन थे, काफ़ी इजी क्वेश्चन थे, आशा करता हूँ आपको पसंद आएंगे ये क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। रेलवे की पोस्ट भी बढ़ गई हैं, अपनी प्रैक्टिस को धुआंधार लगाते चलें। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।